हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हमारा जो VLDA का 2020 का एग्ज़ाम था, उसके अंदर जो हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन था, उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप चाहें तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और एक सबसे स्पेशल थिंग ये कि आप हमारे कोर्स को बाय भी कर सकते हैं। हमारा जो कोर्स है, हम अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं VLDA के लिए, VLDA 4 ईयर के लिए, BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर के लिए। सारे कोर्सेज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पे मिल जाएंगे। आप चाहें तो हमारा जो ऐप है, पढ़ रहे ऐप है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। PADHRE पढ़ रहे, उसके ऊपर भी आपको हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे, वो बाय करें। उसके अंदर हमने सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक से लेकर सारी एक्सप्लेन कर रखी है बहुत ही अच्छे तरीके से, और अलग अलग स्टाफ है, सारे अलग अलग बढ़िया फैकल्टी है, तो आपको अच्छा लगेगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, और शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब तो सबसे पहले। ओके, तो हम हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम कर रहे हैं VLDA 2020 के क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के VLDA 2020। VLDA 2020 का जो है वो हम कर रहे हैं पेपर। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि सिनेबार इज एन ओर ऑफ। सिनेबार जो है वो किसका ओर होता है। हमारे ऑप्शंस हैं जिंक, टिन, मर्क्यूरी और लेड। तो किसी को पता हो तो कमेंट करके बताओ मेरे को नीचे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तब तक मैं बताता हूँ, सिनेबार जो है ये उसका कॉमन नेम है, जो भी वो ओर है। ओर तुम्हें पता है क्या होते होंगे, ओर जो होते हैं, ओर हम किसको बोलते हैं। ओर का मतलब होता है वो मिनरल्स जिनसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना, हमारे लिए चीप हो और इजी हो, उनको हम ओर्स बोलते हैं। वो मिनरल्स जिनके अंदर से मेटल को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए सस्ता हो और आसान हो, उनको हम ओर्स बोलते हैं। अब ये जो सिनेबार है ना, सिनेबार ये है इसका कॉमन नेम, इसका असली नाम होता है, उसने इसका रियल नेम नहीं लिखा, नहीं लिखा, क्योंकि अगर लिख देता तो तुम्हें पता ही चल जाता क्या है। इसका रियल नेम होता है मर्क्यूरी सल्फाइड, मर्क्यूरी सल्फाइड। और इसके नाम से पता चलता है किसका और है, मर्क्यूरी का, और इसका फॉर्मूला HgS। ये ओर्स मैंने हमारा जो कोर्स है VLDA का, BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर का, सबके अंदर मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बता रखे हैं सारे ओर्स के नाम, उनके कॉमन नेम। तो आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं उसको, और हमारे कोर्स को बाय कर सकते हैं, वहाँ पर सारी वीडियोस प्रोवाइडेड हैं, तुम्हें सारी चीज़ें एक एक बहुत ही अच्छे तरीके से करवा रखी है। तो इसका आंसर हमारा क्या होता है कि जो क्वेश्चन नंबर 17 था 2020 वाले एग्जाम के अंदर, वो ये था कि सिनेबार किसका ओर होता है। सिनेबार होता है मर्क्यूरी का ओर होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ओके, अब इसमें अब ये जो सिनेबार है ना, वो कहाँ से मिलता है हमें, पाइराइट से मिलता है, कॉपर पाइराइट जो है ना, कॉपर पाइराइट, उसके अंदर से निकाला जाता है सिनेबार, और फिर उससे हम हमारा मर्क्यूरी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल इज हैविंग द लोवेस्ट कार्बन कंटेंट। ये कौन सा, इनमें से कौन सा ऐसा कोल है जिसके अंदर कार्बन कंटेंट सबसे लोवेस्ट होता है, इनमें से किसके अंदर कार्बन कंटेंट सबसे लोवेस्ट होता है। हमारे ऑप्शंस है बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, और लिग्नाइट और एंथ्रासाइट। तो किस किस को इसका आंसर पता है, कमेंट करो। ओके,
इसका मैंने क्लास के अंदर, जो हमारा कोर्स है उसके अंदर मैंने क्लासेस जब मेटल नॉन मेटल तुम्हें चैप्टर करवाया था उसके अंदर मैंने इसका ट्रेंड तुम्हें बताया था। वो ट्रेंड क्या था? कंटेंट किसके अंदर कितना होता है। तो वो हमारा ट्रेंड था, सबसे ऊपर आता है हमारा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है वो आता है सबसे टॉप के ऊपर, सबसे टॉप के ऊपर, इसके अंदर सबसे ज्यादा कंटेंट होता है। उसके बाद आता है हमारा बिटोनिमस, उसके बाद आता है ये सेकंड वाला सब बिटोनिमस, और उसके बाद सबसे लोएस्ट आता है हमारा लिग्नाइट। उसके बाद सबसे लोएस्ट कौन आता है? लिग्नाइट। ये क्या है? ये कोयले के ओर्स हैं, कोयला जो है इनके अंदर पाया जाता है। ये चार हमारे ऐसे सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले ओर्स हैं, यूज किए जाने वाले कोल्स हैं। कोल क्या होता है? कोल जो होता है, कोल क्या होता है? कोयला जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, कोल कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक कार्बन की फॉर्म होता है, कार्बन की फॉर्म होता है उसके अंदर। अब उसकी ये तीन चार वेराइटीज हैं जो हम सबसे ज्यादा यूज किए करते हैं, और इनको हमने चार नाम इसीलिए अलग दे रखे हैं क्योंकि सबके अंदर अलग अलग अमाउंट ऑफ, सबके अंदर अलग अलग अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट है? कार्बन। सबके अंदर अलग अलग अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। तो इसमें इसने क्या पूछा? इसने पूछा सबसे लोएस्ट कौन सा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा सी, लिग्नाइट। अगर वो मैक्सिमम पूछता किसके अंदर होती है तो एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट के अंदर क्या होती है? सबसे हाईएस्ट होती है कार्बन कंटेंट, सबसे ज्यादा कार्बन होता है उसके अंदर। और ये इसको एक नाम और भी देते हैं भाई, इसका कॉमन नाम एक और भी होता है। क्या होता है? किसी को मालूम है? किसी को मालूम हो तो मेरे को बताना नीचे कमेंट करके। एंथ्रासीन का नहीं, लिग्नाइट का। इसको हम एकाकोल भी बोलते हैं, एकाकोल, एकाकोल, इसको हम एकाकोल भी बोलते हैं। ओके, अब जो हमारा चैप्टर है ना, मेटल एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो VLDA BSc 6 ईयर कोर्सेज के अकॉर्डिंग उसको सबसे रिच चैप्टर माना जाता है। सबसे रिच मतलब मेनली इसके, ये क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है। जो स्टार्टिंग के चैप्टर है हमारे एसिड बेस भी एक रिच चैप्टर है, उसके अंदर से भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चंस को आने के। तो मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे इन दो चैप्टर से ही उठाए जाते हैं, एक तो हमारा मेटल नॉन मेटल और एसिड्स, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इन चैप्टर से ही मेनली क्वेश्चन उठाए जाते हैं क्योंकि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है उसके अंदर कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं होती है। और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है कौन सा, पीरियोडिक, उसके अंदर भी कुछ खास नहीं है, तो उनके अंदर से इतना ज़्यादा नहीं आता। क्यों? उसका रीज़न ये है, उसका रीज़न ये है कि उनके अंदर चीज़ें फिक्स है, वहाँ पर चीज़ें फिक्स है, वही तुम्हें याद करनी है, वही समझाने की चीज़ है। उसके अंदर ज़्यादा कुछ वैरायटी चीज़ों की है नहीं, लेकिन मेटल नॉन मेटल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो एसिड बेस वाला चैप्टर है उसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा। अब उसमें एक सबसे जो बेस्ट क्वेश्चन मैं मानता हूँ रिएक्शंस के बेस पे अगर मैं देने लगूँ तो उसमें मैं मानता हूँ उसको, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, एसिड बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ये सबको पता है। लेकिन एक और रिएक्शन भी होती है, मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस H2। ये रिएक्शन मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है और आई विश इसके ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए, आता भी है और आएगा भी। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना सा फर्क है कि सॉल्ट तो दोनों देते हैं लेकिन एक सॉलिड फॉर्म में दे रहा है और दूसरा सॉल्यूशन फॉर्म में दे रहा है क्योंकि उसके साथ वाटर मिल रहा है हमें, क्योंकि उसके साथ हमें वाटर मिल रहा है। और इसके अंदर जो मिला मुझे, जो मेरा साइड प्रोडक्ट बना है ना H2, ये हमारे बहुत ही काम आता है। H2 गैस जो मिलती है बहुत यूजफुल होती है, सबको पता है रॉकेट फ्यूल के अंदर इसका हम इस्तेमाल करते हैं, जो रॉकेट्स होते हैं उनके फ्यूल के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, हमारे क्वेश्चन के ऊपर, हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई, जो बेल है ना, घंटी जिसको बोलते हैं, घंटा वगैरह, ये बनाने के लिए बेल मेटल इज एन एलोय ऑफ, जो बेल बनती है, बेल बनाते हैं हम, वो किसका एलोय होता है? इसमें एक क्वेश्चन और भी बनता है भाई, इसके अंदर एक बढ़िया क्वेश्चन और भी बनता है कि जो बेल मेटल बनाते हैं हम,
बेल बनाते हैं, बेल बनाते हैं, वो उसको बनाने के लिए मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, कौन सी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखकर सिलेक्ट करना पड़ता है मेटल को, हम मेटल की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी को ध्यान रखें बेल को बनाने के लिए, मतलब या फिर मैं ये बोलूं कि मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जाता है कि हाँ मेटल की ये विशेषता है, ये उसकी विशेषता है, हाँ ठीक है तो हम इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, घंटी बनाने में यूज कर सकते हैं। तो मेटल की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम मेटल को यूज करते हैं बेल घंटी वगैरह बनाने के लिए, उसका नाम होता है सोनोरस, सोनोरस प्रॉपर्टी होते हैं मेटल्स के अंदर। अभी सोनोरस का क्या मतलब होता है, मैंने बता रखा है सोनोरस का मतलब होता है साउंड क्रिएटिंग, ये आवाज करते हैं, नॉर्मल नहीं ज्यादा आवाज करते हैं, बहुत ज्यादा वॉइस क्रिएट करते हैं, इसीलिए इसको हम बेल बनाने के लिए यूज करते हैं। अब मोस्टली कौन सा यूज किया जाता है, जो एलोय, एलोय तुम्हें पता नहीं क्या होते हैं, एलोयज क्या होते हैं, एलोयज मिक्सचर होते हैं दो या दो से ज्यादा मेटल्स का, नॉन मेटल्स का भी हो सकता है, एलोय जो होता है वो एक मिक्सचर होता है किसका, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर, वो मेटल भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा मेटल्स, या मेटल प्लस नॉन मेटल भी हो सकता है, मेटल प्लस नॉन मेटल भी हो सकता है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो बेल मेटल होता है वो कौन सा एलोय होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें मिली हुई होती हैं। अब देखो हमारे ऑप्शंस देखो भाई क्या है, कॉपर और टिन, कॉपर और टिन, ये तो हमारा आंसर ही है, चलो आगे चलते हैं, कोई नहीं और ऑप्शन के बारे में बताते हैं एक बार। अब देखो जैसे कॉपर और मेरा जिंक है, कॉपर और जिंक का जो एलोय बनता है उसको हम नाम देते हैं ब्रास, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कांसा भी बोलते हैं आई थिंक, हाँ कांसा, ये होता है ब्रास। और अगर मैं बात करूं आयरन और निकल की, अगर हम आयरन और निकल की बात करें तो उनके बनते हैं क्लस्टर्स, उनके बनते हैं क्लस्टर्स, निकल क्लस्टर भी जिसको सिंपली निकल क्लस्टर भी बोलते हैं, इनका यूज होता है क्लस्टर्स बनाने के लिए। और अगर मैं बात करूं अपना क्या है टिन, ये उसके अंदर एरर था, यहां पर टी लिखा नहीं हुआ, टी आई एन, यहां पर आई टी लिखा नहीं हुआ था, टिन प्लस लेड जो है उसको हम बोलते हैं सोल्डर, उसको हम बोलते हैं सोल्डर, सोल्डर मतलब वो नहीं करते जो तारों के टाके लगाते हैं ना, सोल्डरिंग करना, जैसे कि तुम मोबाइल वगैरह ठीक करवाने जाते हो, मोबाइल वगैरह ठीक करवाने जाते हो, उनके पास वो ऐसा ऐसी एक चीज़ होती है साथ में, एक वायर होती है, वायर से लपेटे रखते हो किसी के ऊपर, उस वायर को मेल्ट करते हैं और लगा देते हैं जहाँ भी जोड़नी हो, दो वायर्स को जहाँ भी कनेक्ट करना हो, कोई भी दो वायर हो उनको कनेक्ट करना हो तो वो क्या करेंगे, उनके पास एक एक्स्ट्रा वायर होता है सोल्डरिंग वायर जिसको बोलते हैं, उसको मेल्ट करेंगे यहाँ रख देंगे, मेल्ट करेंगे यहाँ रख देंगे, तो तार के जो टाके लगाने के लिए यूज होता है, तारों को जोड़ने के लिए यूज होता है वो ये होता है सोल्डर। जैसे लोहे को वेल्ड करते हैं ना, लोहे की वेल्डिंग करते हैं, वेल्ड नहीं वेल्ड, लोहे की वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, उनके अंदर हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, लोहे की वेल्डिंग करते हैं ना, उसी तरह जब तारें जोड़ते हैं ना, तारों की वेल्डिंग करते हैं, उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं, इस सोल्डर का यूज करते हैं। लेकिन जो मेरा बेल मेटल होता है वो होता है कॉपर प्लस टिन, कॉपर और टिन का जो एलोय बनेगा वो हमारा बेल मेटल होता है, वो क्या होता है हमारा बेल मेटल होता है, जिसका यूज हम घंटियां बनाने के लिए यूज करते हैं। और इसको हम नाम क्या देते हैं, बेल मेटल तो इसीलिए बोल दिया क्योंकि ये घंटियां बनाने के लिए यूज होता है, लेकिन इससे सिर्फ घंटियां थोड़ी ना बनती हैं, और भी तो बहुत सारी चीजें बनती हैं, इसका नाम होता है ब्रोंज। इसका नाम क्या होता है, ब्रोंज होता है। और अब ब्रोंज से तुम्हें पता चल गया होगा, ब्रोंज जो मेडल होते हैं ना वो भी इसी का बना हुआ होता है, वो भी इसी के बने होते हैं, ब्रोंज मेडल्स, ब्रोंज मेडल जो होते हैं वो भी इसी के बने होते हैं। अब इसके अंदर
परसेंटेज अगर मैं बताऊं तो कॉपर और टिन तो मेरे को मिलाने हैं, ये तो मुझे पता चल गया भाई। मैं कॉपर और टिन को मिलाऊंगा तो मेरा क्या बनेगा, ब्रोंज बनेगा, जिसको हम बेल मेटल भी बोल सकते हैं। अब उसके अंदर कौन सा कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है, अब जब हम बेल बना रहे हैं ना उस टाइम उसके अंदर 22 से लगभग 25% तक, 22 से 25% कॉपर होता है और बचा हुआ क्या बच गया मेरा टिन, बाकी टिन होता है उसके अंदर 22 से 24% 25% तक क्या होता है, कॉपर, और बचा हुआ क्या होता है हमारे पास टिन बचता है फिर। ओके अब देखो अभी तक कितने आ गए, 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन आ चुके हैं अकेले मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से, सिर्फ मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से तीन क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो यहीं से अब आगे भी आएंगे, ये नहीं है कि यहाँ खत्म हो गया मेटल नॉन मेटल, आगे भी आएंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस और आते ही रहेंगे। ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज क्या होती है भाई, इज डिजोल्व्ड इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इन ए बीकर, अगर मैं उसको 18 ग्राम पानी के अंदर मिक्स कर देता हूँ, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सॉल्यूशन विल बी, अब जो मेरा सॉल्यूशन बन गया, कौन सा सॉल्यूशन बन गया, सुक्रोज का, सुक्रोज प्लस वाटर का जो मेरा सॉल्यूशन बना है उसके अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे। ये मैंने एग्जाम्पल्स में भी करवाया है तुम्हें, सेम नहीं इसी टाइप का क्वेश्चन जहाँ मैंने मीथेन को लेके समझाया था एक बार, और एक बार ग्लूकोज को लेके मीथेन यार CH2 नहीं CH4 मीथेन को लेके समझाया था और एक बार मैंने ग्लूकोज को लेके करवाया था, ठीक है, अरे सुक्रोज को। तो उसके अंदर मैंने तुम्हें क्या बताया था कि सबसे पहला तरीका है नंबर ऑफ निकालो मोल्स, मुझे क्या बताने है? अब देखो ये मिथेन है, ठीक है, मिथेन मुझे कोई भी अमाउंट दे रखी है, एक्स ग्राम है, ओके, मेरे को इसका मोलर मास पता है 16 कैसे, कार्बन का 12 प्लस 4 कितने हैं हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो ये कितना हो गया 16, और मोल्स हम ऐसे ही निकालते हैं ना, गिवन मास बाय उसका मॉलिक्यूलर मास, उसके क्या आ गए मोल्स आ गए। अब हमें ये पता है कि एक मोल के अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ एंटिटीज होती हैं। एंटिटीज क्या होती हैं, अब ये एंटिटीज का मतलब होता है इतने नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, कुछ भी, मतलब अगर वो इतने। अब ये एवोगाड्रो कितना होता है, ये होता है 6.022 × 10⁻²। अगर इतने नंबर ऑफ मैंने कोई भी चीज, जैसे हम ये बोलते हैं ना कि एक दर्जन का मतलब होता है 12 चीज़ें, अगर मैंने कोई भी चीज़ 12 इकट्ठी कर ली, अगर मैंने कोई भी चीज़ 12 ले रखी है, मतलब मैंने एक दर्जन ले रखा है। बिल्कुल उसी तरह जब मैं इतने नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक्स, वाई, जेड, कुछ भी, अगर मैंने इतने ले रखे हैं तो इसका मतलब मेरे पास वो कितना है, वो वन मोल है। और इस नंबर को नाम दिया गया है एवोगाड्रो नंबर, एन ए से लिखते हैं जिसको, एन मतलब नंबर, ए मतलब एवोगाड्रो, उस साइंटिस्ट का नाम जिसने इसको डिस्कवर किया था, इसको हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, अब देखो उसने क्या दे रखा है उसका ग्राम, उसका वेट दे रखा है, ओके, पूछा क्या है नंबर, तो हम डायरेक्ट इसी चीज का यूज करेंगे, क्या करेंगे, पहले तो उसके मोल्स निकालेंगे कितने हैं, और मोल्स के हिसाब से बता देंगे कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं। अब मुझे एक चीज और बताओ
जैसे कि मिथेन है, मिथेन है, ओके। मिथेन अगर 1 मोल है, 1 मोल मिथेन का मतलब हो गया Na नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स। मिथेन एक मॉलिक्यूल है ना, मिथेन एक मॉलिक्यूल है ना, तो 1 मोल मिथेन का मतलब हो गया, 1 मोल मिथेन का मतलब हो गया इतने नंबर ऑफ मिथेन के मॉलिक्यूल्स। ठीक बात है। अब एक मॉलिक्यूल के पास, मिथेन के एक मॉलिक्यूल के पास कितने कार्बन है? एक। कितने हाइड्रोजन है? 4। तो मिथेन के इतने सारे मॉलिक्यूल्स के पास कितने कार्बन होंगे? 1 × Na। और कितने हाइड्रोजन होंगे? 4 × Na। ठीक बात है। एक मोल के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं मिथेन के, मिथेन के मान लो, मिथेन के 100 मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो मिथेन के 100 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल के पास कार्बन कितने हैं? एक। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो 100 के पास कितने होंगे? 100 मॉलिक्यूल्स के पास 100 कार्बन होंगे, मतलब 1 × 100। और 400 क्या होंगे? हाइड्रोजन्स होंगे। क्यों? 4 × 100। जितने नंबर ऑफ एटम्स एक के पास हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट एक के पास है, उसको उस नंबर से डिवाइड कर दो जितने तुम्हारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स हैं। उसी तरह ये रहा, एक के पास एक था तो एवोगेड्रो के पास इतने, 1 मोल के पास कितने हो गए? इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 × Na। इसी चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। अब वो कैसे करेंगे ये देखो, उसका हम कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले अब पता क्या है इनके अंदर क्या करते हैं, मेनली वो कोशिश करते हैं कि तुम्हें कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं देंगे, कंपाउंड का फॉर्मूला वो नहीं देते हैं, वो उसका नाम दे देते हैं ताकि उन्हें ये पता चल जाए तुम्हें फॉर्मूले पता हैं या नहीं पता है। ओके। तो जैसे इसने क्या दे रखा है, इसने दे रखा है सुक्रोज। अब सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को मिलकर बनता है। सुक्रोज कैसे कैसे बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सेम फॉर्मूला होता है दोनों का, C6H12O6, 12 6 12, दोनों का यही फॉर्मूला होता है, C6H12O6। दोनों का सेम फॉर्मूला होता है, बस दोनों में डिफरेंस ही होता है कि जो ग्लूकोज होता है उसके अंदर 6 मेंबर रिंग होती है और जो फ्रक्टोज होता है उसके अंदर 5 मेंबर रिंग होती है। ओके। अब जब मैं दोनों को मिला दूंगा तब मेरा सुक्रोज बनता है, और सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H2O11, C12H2O11, ये होता है मेरा सुक्रोज का फॉर्मूला। अब मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं? सुक्रोज है कितना है? 3.42 ग्राम। ओके। प्लस क्या है? वाटर कितना? 18 ग्राम। तो मेरे को ये दो चीजें दे रखी है और मेरे को ये पूछा है ये जो सॉल्यूशन बन गया इसके अंदर कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे। अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रही है चीजें, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके मुझे बताना कैसा रहा कैसा नहीं रहा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताना ताकि मैं उसको चेंज कर सकूं। अगर तरीका पसंद नहीं आ रहा वो भी बताना कि सर मेथड थोड़ा चेंज करो, तो हम उस पर भी काम करेंगे। और ज़्यादा अच्छे से अगर तुम्हें सारी चीज़ें देखनी है, आप हमारे कोर्स को बाय कर सकते हैं, या तो अगर तुम चाहो पढ़ रहे ऐप जो है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ रहे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, और YouTube के ऊपर भी हमारा ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, जहाँ तुम्हें डेली वीडियोस मिलती रहेंगी। हम टेस्ट भी लेते हैं, हर वीकेंड के ऊपर टेस्ट होता है चैप्टर का, और फिर लास्ट में एक फाइनल टेस्ट भी होता है, और हम अभी एक टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर रहे हैं, उसके अंदर 17 to 18+ एग्ज़ाम है, सारे लेवल के, बेसिक से लेके, बिल्कुल बेसिक से लेके, तुम्हारे एग्ज़ाम के हिसाब से बेसिक से लेके हायर लेवल का भी, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि हाँ ये क्वेश्चंस आएंगे, वो सारे उसके अंदर एक्सप्लेन किए हुए वीडियो सॉल्यूशन के साथ।
लाइव क्लासेस चलती हैं सारी, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, एक बार ट्राई करके देखना। ओके, हम थे यहाँ। अब इतने ऑक्सीजन, इतने सुक्रोज दे रखे हैं, और ये मेरे पास वाटर सॉल्यूशन था। अब जो सुक्रोज होता है, ठीक है, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, मोल्स निकाल लो दोनों के कितने हैं। सबसे पहले दोनों के एन निकाल लो, मोल्स कितने। अब मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। इसका गिवन मास कितना है, 3.42 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। अब मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, सुक्रोज का निकाल लो, यहाँ करते हैं। मोलिकुलर मास किसका निकालना है, C12H। भाई हरियाणवी प्रेफर किया करो, C12H22O11। अपने मदर टंग कभी नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है। कार्बन का कितना होता है, 12। कितने कार्बन है, 12 प्लस। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। कितने हैं, 22 प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। कितने हैं, 11। 144, 12 का स्क्वायर तुम्हें आते होंगे 144 प्लस 22 प्लस 16 इंटू 11 176 आई थिंक, 16 7 6, हाँ 176। इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो ये मेरा कितना हो गया, 6 10 2 7 8 10 14। एक दो तीन, 342, ठीक है। ये इसका आ गया हमारा मोलिकुलर मास, इसको हमने लिख दिया यहाँ 342। जब इसकी बात की वाटर की, वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, गिवन वेट कितना है 18, डिवाइड बाय वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है, वो भी 18 होता है। 16 ऑक्सीजन का, 16, दो हाइड्रोजन, 16 और 2 18, ठीक है। ऑक्सीजन कितने मोल प्रेजेंट है, 1। वाटर, वाटर के कितने मोल्स प्रेजेंट है, 1। एक मोल वाटर प्रेजेंट है। इस पे अगर मैं आऊँ, इनको कर दो, काट दो इनको, क्या आएगा, या फिर इसको ऐसे लिख लें, 342 इज डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/342। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के नीचे 00 लगा दिया, ठीक है, काट दिया। 1/100 का मतलब हो गया 0.01 मोल्स। अब मेरा जो सुक्रोज है वो 0.01 मोल प्रेजेंट है, और अपना ये है वाटर जो है वो कितना है, 1 मोल प्रेजेंट है। ओके, ये है 1 मोल प्रेजेंट है। अब देखो ध्यान से, आंख ना कान खुले रखना मुनी। एक मोल वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर मैं इसको ऐसे लिखते हैं, चलो एक मोल के अंदर, 1 मोल के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, एवोगैड्रो Na, या फिर 6.022 × 10⁻²। इतने नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इतने नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो इसके अंदर हाइड्रोजन के कितने होंगे, एक के अंदर हाइड्रोजन कितना है, 1, तो टोटल के अंदर 1 × Na क्या रह गया, क्या रह गया, सेम ही हो जाएगा 6.0। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सीजन की बात करूं, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं वाटर के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने, ये दो हैं यार, अरे यार, वाह 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 वाह, H2O है यार, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है, तो 1 × Na, तो ये तो Na ही बच गया। उसने पूछा टोटल के अंदर कितने हैं, मैंने वाटर के अंदर निकाल लिए, इसके अंदर सुक्रोज के अंदर निकाल लूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, और मेरा क्या आ जाएगा आंसर। अब मैंने वाटर के अंदर तो निकाल लिया, वाटर के अंदर कितने ऑक्सीजन है, ओ Na है, ओके। सुक्रोज के अंदर निकाल लो, सुक्रोज के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 0.01। अब एक सुक्रोज के मोलिक्यूल के अंदर, सुक्रोज के एक मोलिक्यूल के अंदर क्या फॉर्मूला था, C12H22O11।
एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑक्सीजन है? 11। एक मोल के अंदर कितने होंगे? 11 × Na। लेकिन अपने पास कितने मोल है? 0.01 मोल के अंदर कितने होंगे? 0.01 × 11 × Na into Na। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा भाई? देखो, ये हो गया 11 × 1/100। ओके, एन ए क्या था? 6.022 × 10^23। ये जाके माइनस हो जाएगा वहां पे। ये जो दो जीरो हैं, ये 10 के आगे 23 जीरो लगी हुई हैं, उनमें से दो को कट कर देगा। मतलब मैं लिख दूं यहां पर -2। बिल्कुल सही बात है। ये हो गया 11 × 6.022 × 10^21। इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम किसके अंदर प्रेजेंट है? मेरे सुक्रोज के अंदर। और इतने नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर है? वाटर के अंदर। तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मेरे आ जाएंगे। अब इनको ऐड करो, कितने हो गए? ये कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, यहाँ लिखेंगे। अगर तुम चाहो, अब देखो एक चीज और भी कर सकते हो तुम, एक चीज और भी कर सकते हो अगर तुम चाहो। ऑप्शन में देख लेना, यहां पर 23 है, 10^23 सेम है, यहां भी है, यहां चेंज कर रखी है। तो तुम्हें इस एन ए की वैल्यू लगानी पड़ेगी। तो तुम एन ए को लगा लेना। अगर 23 23 23 23 ही दे रखा हो तो ये इतना बड़ा नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, इसको एन ए मान के ही सारा सॉल्व कर लेना, ठीक है? लेकिन अब यहां लिख रखा है तो हमारे पास कोई इसका इलाज नहीं है, हमें ये लिखनी ही पड़ेगी वैल्यू। ओके, अब हमने क्या किया देखो, अब हम दोनों को करते हैं ऐड। ऑक्सीजन वाटर के अंदर कितने थे? 6.022 × 10^23 प्लस ये कितने हैं? 11 × 6.022 × 10^21। अब मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को ऐड करो भाई। और क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। अब जब इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारे पास बन जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करो 6.022 को 11 से। अब मेरे को एक बात बताओ, ये काम है बड़ा तगड़ा। क्यों? वहां बैठ के तुम इनको मल्टीप्लाई करने लगोगे, फिर इनको जोड़ोगे, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? इससे बढ़िया हमारे पास रहेगा, हम क्या करेंगे, हमारी प्रेफरेंस रहेगी कि हम जैसे वहां किया है, वैल्यू नहीं लिखी, उसको सिर्फ एन ए लिख लिया, सीधा उसको क्या लिख लिया, एन ए लिख लिया, वही काम हम यहां करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये सारा करो रब, क्योंकि ये वो काम है जो सारे करेंगे, तुम्हें नहीं करना। इतना ही रखो इसको, इसको यहां मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया? 0.11 Na हो गया। एन ए को एन ए ही रहने दो, इसको बिल्कुल लास्ट में हो जाएगा ना, तब इसको लिखेंगे। अब जोड़ दो दोनों को, इसको और उसको। अब जोड़ना आसान है, कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना, ठीक है? अब इसको इसके अंदर लाके ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 1.11 Na हो गया। अब लिख लो वैल्यू, 1.11 × 6.022 × 10^23 मोली एटम्स 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 इतने एटम्स हो गए ऑक्सीजन के। अब कर लो मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ 6.011 के साथ। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद मैं डायरेक्ट बता देता हूँ क्या आएगा, 6.68 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई के बाद आएगा 6.68 और 10^23 मेरा रह जाएगा सेम। और वो कहाँ दिख रहा है मुझे, ये रहा, तो मेरा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब एक चीज और बताऊं तुमको, बहुत सारी चीजें हैं यहां पर। अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें ये लगता हो कि यार कौन मल्टीप्लाई करे, कौन ये करे, कौन वो करे, तुमने वो नहीं लिखा, कोई बात नहीं, ये तरीका है। ये भी नहीं करना चाहते
तो भी उसका भी इलाज मेरे पास है, तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। तुम्हें गैस भी करना होगा, उसके लिए भी तरीके होते हैं गैस करने के लिए। अब ये देखो, मुझे एक चीज़ इतनी सी चीज़ देख, सिर्फ इतनी सी चीज़ देखकर बताओ। लास्ट में मैंने यहाँ तक तो निकाल लिया ना, इतना तो सब निकाल लेंगे कि इतना आ रहा है, ठीक बात है। अब किसी भी नंबर, अब ये एवोगैड्रो सेम है, NA तो मेरा पढ़ा ही है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि मेरे आंसर के अंदर 10 की पावर 23 तो आएगा ही आएगा, वो तो आएगा ही आएगा। लड़ाई है इस स्टार्टिंग वाले के लिए, इस स्टार्टिंग वाले के लिए क्या आएगा। तो इन दोनों पे तो पहले ही काटा मार दिया, बच गए वो दोनों। अब एक बात बताओ, अब किसी नंबर को मैं एक से बड़ी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई भी नंबर है 5 है मान लो, उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ और 5 को मैं 1 से थोड़ा सा बड़ा कोई भी नंबर 1.1 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ज़्यादा आंसर किस में आएगा, कौन सा नंबर बड़ा होगा? ये नंबर बड़ा होगा किससे? 5 से बड़ा आएगा, 5 से बड़ा आएगा, ये तो 5 ही आएगा। अगर मैं किसी नंबर को 1 से ज़्यादा बड़ी अमाउंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1.11 क्या है, 1 से बड़ा ही है ना, थोड़ा सा 1 से थोड़ा सा बड़ा है, तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो जो मेरा 6.022 है ना, उससे कुछ ना कुछ बड़ा ही नंबर आएगा, उससे थोड़ा सा कुछ ना कुछ बड़ा ही आएगा। और ये रहे ऑप्शंस, देखो इसके अंदर तो सीधा 6.22 ही है, सेम टू सेम ही है, मतलब इसने 1 से मल्टीप्लाई की है, लेकिन मेरा तो 1.1 है ना, तो थोड़ा सा बड़ा आएगा, उससे थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन में क्या प्रेजेंट है, 6.8। तो अगर कोई आलसी बंदा मेरे जैसा तुक्का भी मारने लगेगा तो वो इस पे मारेगा, तुक्का नहीं, ये हमने सोल्व ही किया है, सोल्व भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन, क्या कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब तुम्हें सही अगर पता नहीं है तो तुम्हें यह तो पता होना चाहिए कि भाई गलत कौन सा है। अब तुमने 2 पे तो सीधा ही काटा मार दिया, KBC वाला काम हो गया, 50-50, ठीक है। तो 2 तो तुम्हारे वैसे ही कट गए, और इन दोनों में तुमने कर ही लिया कि 1.1 आएगा, 6.02 से हल्का सा बड़ा नंबर आएगा, वो कौन सा है, 6.8 है। तो हमारा ये क्वेश्चन, इसका आंसर सोल्व, और सबसे अच्छी बात है भाई सोल्व ही करना चाहिए, सोल्व ही करना चाहिए। तो हमारा आंसर आ गया 6.68, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। और इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने तुम्हें क्लास में भी करवा रखा है, तुम्हारे असाइनमेंट्स के अंदर भी डाला हुआ था। ओके, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर से मेटल्स के ऊपर, फिर से किस पे आ गया, मेटल्स पे आ गया। कितने हो गए मेटल्स के, 4 क्वेश्चन हो गए, 17-18 के अराउंड क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे VLDA के अंदर, 17-18 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री से। अब उसके अंदर से 5 चैप्टर हैं तुम्हारे, 17-18 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 5 चैप्टर हैं, 5 लगा लो, 6 लगा लो, कोई बात नहीं, 5 है मेन तुम्हारे जो है, 5 टॉपिक्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं, उनमें से मेटल, अकेले मेटल, नॉन मेटल पर 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं आराम से। 4 तो अभी हो गए, एक आधा और आ जाएगा आगे, तो इसकी जो वेटेज है बहुत, क्योंकि ये चैप्टर भी वाइड है ना, तो ये इस चैप्टर को भाई ध्यान से करना। और सबसे ज़रूरी पार्ट है हमारे ओर्स ही हैं, सबसे ज़रूरी पार्ट है ओर्स, क्योंकि इन पे तो डायरेक्ट ही आ रहा है किसका ओर कौन सा होता है और कौन सा किसका ओर नहीं है, बस कुछ भी नहीं पूछता। ओके, हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ एलुमिनियम, अब इनमें से कौन सा एल्यूमिनियम का ओर नहीं है, बताओ भाई कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा ओर एल्यूमिनियम का नहीं है। तो देखते हैं, जो क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का ओर होता ही नहीं होता, क्रायोलाइट होता है हमारा Na2AlF6, ये दोनों का है भाई, ये सोडियम का भी होता है और एल्यूमिनियम का भी होता है। इसके अंदर कौन से मेटल प्रेजेंट है मेरे, सोडियम भी प्रेजेंट है और एल्यूमिनियम भी प्रेजेंट है, ये एल्यूमिनियम का ओर है, हाँ है। और सबसे फेमस ओर यही दो होते हैं, क्रायोलाइट और बॉक्साइट। क्रायोलाइट और बॉक्साइट तो इतने भयंकर होते हैं ना, इंपॉर्टेंट,
हर जगह इनका नाम आता ही आता है। बॉक्साइट क्या होता है? बॉक्साइट का नाम इसीलिए सबसे ज़्यादा लिया जाता है क्योंकि ये इसका ऑक्साइड होता है। ये क्या होता है? सिंपली ऑक्साइड होता है, Al2O3। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें प्रेजेंट है, सोडियम भी होगा, फ्लोरीन भी होगा, लेकिन ये सिर्फ ऑक्साइड है। और मैंने तुम्हें क्लास के अंदर बता रखा है कि कोई भी मेटल जो होता है उसको निकालना और से एक्सट्रैक्ट करना सबसे ज़्यादा आसान होता है अगर वो उसकी ऑक्साइड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर वो अपनी ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट है तो दुनिया का सबसे आसान तरीका है उसको, तो वो सबसे आसान है उससे मेरा मेटल को निकालना। रिडक्शन कर देंगे सीधा। इसका हम डायरेक्ट रिडक्शन करेंगे और क्या होगा, मेरा ऑक्सीजन निकल जाएगी और मेरे पास क्या रह जाएगा? मेटल रह जाएगा। रिडक्शन का मतलब तुम्हें पता है कि दो चीज़ें होती हैं, ऑक्सीडेशन होता है एक होती है ऑक्सीडेशन और एक होती है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के अंदर ऑक्सीजन का ऐड करवाना, कोई भी मेरे पास मेटल, नॉन मेटल कुछ भी हो, उसके अंदर मैं कोई भी मेरे पास एटम, कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड कुछ भी दे रखा है, अगर मैं उसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करवा रहा हूँ, अगर उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर उसके अंदर से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, उसके अंदर से ऑक्सीजन निकाली जा रही है, तो उसको बोलते हैं हम रिडक्शन बोलते हैं। तो मेटल अपनी ऑक्साइड फॉर्म में था, उसका सिंपली रिडक्शन किया और क्या मिल गया मुझे? मेरा मेटल मिल जाएगा। तो इन दोनों पे तो पहले ही काटा लग गया, क्रायोलाइट और मेरा बॉक्साइट जो है, इन दोनों पर तो पहले ही काटा लग गया कि नहीं भाई ये तो एल्यूमिनियम के और हैं। उसने क्या पूछा कि कौन सा और नहीं है, ये दोनों तो हैं। अब आते हैं नेक्स्ट दोनों पे, फेल्डस्पार और कार्नाइट। अब जो मेरा कार्नाइट है ना, वो एल्यूमिनियम का और नहीं होता है। अब ये होता किसका फिर? ये होता है बोरोन का और होता है। बोरोन एक नॉन मेटल है, सबको पता है, ये बोरोन का और होता है। ये क्या होता है? एक बोरोन का और होता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? डी। अब बी पे बात करते हैं, बी रह गया। बी क्या है? ये मैंने इसका लिखा है सिर्फ हाफ फॉर्मूला। इसके अंदर देखो भाई क्या क्या प्रेजेंट है, सोडियम भी है, एल्यूमिनियम भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। ये जो होता है ये एक मिक्स और होता है, मिक्सड और होता है। इसके अंदर सारी चीज़ें हैं जो कम कम अमाउंट के अंदर ही प्रेजेंट होती है, लेकिन ये अर्थ के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका हम यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अंदर भी एल्यूमिनियम तो है ना। अब ये जो है ये तीनों का और है, सोडियम का भी, एल्यूमिनियम का भी और हमारे सल्फर का भी। इसके अंदर से हम तीनों चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, ये जनरली क्या होता है, एक उसको क्या बोलते, पत्थर टाइप का होता है, ये रॉक्स पहाड़ों से निकाला जाता है इसको। और ये क्या होता है? सिर्फ एक ही चीज़ का और होता है, एक ही चीज़ का नहीं होता। इसके अंदर दो तीन चीज़ें प्रेजेंट होता है, इसे मिक्सचर ऑफ और दो तीन औरों का ये मिक्सचर होता है। लेकिन एल्यूमिनियम तो इसके अंदर भी प्रेजेंट है ना। ठीक है, इसके अंदर और भी चीजें हमारी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। अच्छा, तो इसका हमारा आंसर हो गया कार्नेलाइट, डी। नेक्स्ट में आते हैं हमारे क्या है? अब इसने क्या दे रखे? अब आ गया केमिकल रिएक्शन, पहला चैप्टर का क्वेश्चन है ये, हमारा जो चैप्टर वन है उसका है। अब देखो ये क्या बोलता है कि इन द केमिकल रिएक्शन FeCl2Cl2 और क्या बन गया, FeCl3 बन गया। ओके, अब क्लोरीन जो है इसके अंदर, ये वाला जो मेरा क्लोरीन है, ये क्या काम कर रहा है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, कैटलिस्ट है या इनर्ट मीडियम प्रोवाइडर है। अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स ये क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन करवाते हैं उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये देखो, यहाँ जो मेरा FeCl3 है, FeCl2 है और यहाँ जो
अब क्लोरीन का पूछा है ना, क्लोरीन। अब ये जो क्या करते हैं, जो रिएजेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, रिडक्शन करवाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन तो करवाएगा लेकिन खुद का क्या कर लेगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, ऑक्सीडेशन तो करवाते हैं और खुद का क्या कर लेते हैं, रिडक्शन, खुद का क्या कर लेते हैं, रिडक्शन। अब क्लोरीन की बात करो, क्लोरीन यहां पर किस फॉर्म में है, Cl2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, जीरो। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका, जीरो। लेकिन यहां पर जब ये क्लोरीन उसके अंदर जब जाके ऐड हो गया, FeCl3 बना लिया, यहां पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज होकर क्या हो गया है, -1। यहां पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होकर -1 हो गया है, इसने क्या कर लिया अपना ऑक्सीडेशन। अब दो एक डेफिनेशन और भी होती है भाई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि सिर्फ ऑक्सीजन को ऐड कर लिया, ऑक्सीजन को रिमूव कर लिया, इसका एक मतलब और भी होता है, इसकी एक डेफिनेशन और भी होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बढ़ जाना। अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन के बाद बढ़ गया है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया है तो उसको बोलते हैं उसका रिडक्शन हुआ है। अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो उसको बोलते हैं रिडक्शन हुआ। अब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर घट गया है, मतलब क्लोरीन का क्या हुआ है, क्लोरीन का क्या हुआ है, रिडक्शन, क्लोरीन का क्या हुआ है, रिडक्शन, मतलब उसने खुद का रिडक्शन किया है, तो उसने करवाया क्या है, ऑक्सीडेशन, उसने करवाया क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यहाँ पर ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये तो हो गया ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। कैटलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा केमिकल जो रिएक्शन के अंदर खुद हिस्सा नहीं बन रहा है, रिएक्शन के अंदर खुद रिएक्ट नहीं करेगा। वो जो जो चीज़ें प्रेजेंट है, मान लो कोई भी दो चीज़ें प्रेजेंट है, मैं बीच में आया, वो बिचोला टाइप होता है, वो आएगा, वो इसको पकड़ेगा, उसको पकड़ेगा, रिएक्ट करवाएगा, कंपाउंड बनवाएगा और साइड में निकल जाएगा। ये होते हैं कैटलिस्ट। ये क्या करते हैं, रिएक्शन को, ये दोनों काम कर सकते हैं, रिएक्शन को तेज भी करवा सकते हैं, कोई रिएक्शन बिल्कुल स्लो हो रही है तेज करवा देंगे उसको, और उसको स्लो भी करवा सकते हैं, कोई ज्यादा तेज है तो उसको स्लो भी करवा सकते हैं, वो होते हैं हमारे कैटलिस्ट। और इनर्ट मीडियम प्रोवाइडर का मतलब होता है कि जो एक इनर्ट मीडियम प्रोवाइड, इनर्ट का मतलब होता है कि जहां पर कोई भी एक्स्ट्रा चीज प्रेजेंट ना हो, कोई भी एक्स्ट्रा चीज प्रेजेंट ना हो, इनर्ट मीडियम, बिल्कुल खाली चीजें वहां पे प्रोवाइड करवाते हैं, उनको हम बोलते हैं इनर्ट मीडियम प्रोवाइड करवाने वाले रिएजेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये फिर आ गया मेटल नॉन मेटल का, फिर से मेटल नॉन मेटल, कितने हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए मेटल नॉन मेटल पर। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की टेंडेंसी, वो कितना, उसकी कितनी पावर है, वो कितना ज़्यादा चाहता है कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए, कितना चाहता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए, उसकी कितनी टेंडेंसी है, उसकी कितनी क्षमता है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करवा सकता है, उसकी उस क्षमता को उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाता है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाता है उसको। अब जो मेरी पीरियोडिक टेबल है, तुम्हें क्लास में बताया था कि ये मेरी पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर जो ये स्टार्टिंग वाले हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने एलिमेंट्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके अंदर होते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे। अब ये क्या करते हैं, इनके पास ये क्या करते हैं, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन ही है। अब सारे के सारे क्या चाहते हैं, नोबल गैस में कन्वर्ट होना। क्यों, क्योंकि वो अपना लास्ट जो शेल है, लास्ट जो उनकी शेल है, उसको कम्प्लीटली फिल करना चाहते हैं, उसको कम्प्लीटली फिल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं। अब यार ये लगा लो कि ये हैं भूखे, ठीक है, ये हैं भूखे, इनको अपना पेट भरना है। ये इस तरह के भूखे हैं, इनको पेट भरने, जब अब जैसे मैंने उठा लिया सोडियम, उठा लिया जैसे सोडियम की 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये क्या करता है, इसको पहुंचना है नोबल गैस वाली, नोबल गैस के अंदर क्या होता है, सारी शेल फिल होता है 2, 8, 8, 18, 18 ऐसे, इसको जाना है यहाँ पर। अब इसको
यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर यहां पर इसको 0 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि अगर ये 2-8 में कन्वर्ट हो या 2-8-8 में कन्वर्ट हो, दोनों ही नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन होती है। नोबल गैस की 2-8 भी तो होती है, सबसे पहले 2, फिर आएंगे 2-8, फिर 2-8-8 ऐसे। ये भी फुल्ली फिल्ड हो गया और ये भी फुल्ली फिल्ड हो गया। अब इसके लिए ज़्यादा आसान क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की तो इसकी हिम्मत है नहीं, क्योंकि सोडियम बहुत छोटा होता है और 7-7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना तो बहुत ही महाभारत का काम है। इसलिए ये कहता है कि इसको भगा दो, एक इलेक्ट्रॉन को भगा देता है और इसमें कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह अगर मैंने, अब ये जो लास्ट सीरीज है, ये जो लास्ट वाले हैं ना, ये तो होती ही नोबल गैस है, ये तो होती ही नोबल गैस है, इनके तो फील्ड होता है पूरे। इससे जस्ट जो पहले वाली है, ये सीरीज जो है, जैसे मैंने उठा लिया फ्लोरीन को, फ्लोरीन का क्या होता है 2-7, अब इसको जाना है 2-8 पे, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। इसीलिए ये बोला जाता है कि जो हेलोजन्स होते हैं ना, हेलोजन्स जो होते हैं वो, अब वो सबसे नज़दीक है, उनको बिल्कुल थोड़ा सा एक झटके में एक इलेक्ट्रॉन को लिया स्टेबल, एक इलेक्ट्रॉन को लिया स्टेबल। अब सबसे ज़्यादा आसान किसके लिए है हेलोजन्स पे पहुँचना, उस पर नोबल गैस पे पहुँचना, हेलोजन्स के लिए सबसे आसान है, क्योंकि वो सबसे कम दूरी पर है, उनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है। और सोडियम कहाँ है, सोडियम है यहाँ, वो इलेक्ट्रॉन को लूज इतना इजीली नहीं करेगा। इसलिए ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है हेलोजन्स की। हेलोजन्स क्या होते हैं तुम्हें बताया हुआ है मैंने क्लास के अंदर, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, 17th ग्रुप के, लास्ट से जस्ट पहले वाली लाइन के अंदर, वो सारे क्या हैं, हेलोजन्स हैं। अब इसमें ढूंढो हेलोजन्स कहीं भी, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछी है हाईएस्ट किसकी होती है, हेलोजन की होती है, ऑप्शन के अंदर हेलोजन ढूंढना स्टार्ट कर दो। फॉस्फोरस एक हेलोजन नहीं है, आयोडीन हेलोजन है, नाइट्रोजन नहीं है, क्लोरीन हेलोजन है। अब ये दोनों हेलोजन है, दो हेलोजन के बीच में टक्कर हो रही है, तो मेरे को एक बात बताओ, एक तो बहुत मोटा आदमी है, बहुत मोटा आदमी है, उसको मैंने क्या करना है, मैंने उसको इलेक्ट्रॉन देना है, बहुत मोटा आदमी है, उसके लिए क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को पकड़े रखना, क्यों, बहुत दूर हो गया ना, उसका मोटापा इतना होगा कि वो किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकता। अब एक मैं हूँ, मेरे जैसे कोई पतला आदमी है, मुझे कोई चीज़ पकड़ाओगे मैं उसको पकड़ के ऐसे जकड़ लूँगा, ठीक है, मेरे लिए उसको आसान है पकड़े रखना। अब जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये है वो मोटा इंसान, अभी इतना मोटा हो गया है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ना, अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो उसको अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा, बाहर जो से कोई आएगा उसको अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन जहाँ फ्लोरीन है वो छोटा है, उसका न्यूक्लियस अगर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको अच्छे से पकड़ के रख लेगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है फ्लोरीन की, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन की, बिकॉज ऑफ देयर साइज। इसके अंदर फ्लोरीन ऑप्शन में है नहीं, तो सबसे ज़्यादा इन ऑप्शंस में किसकी है, क्लोरीन की है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करवाने की टेंडेंसी। तो हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेक्स्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एज वेल एज द फॉर्मूला एंड द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कंपाउंड डिपेंड्स इन द पीरियोडिक मैनर ऑफ देयर एटोमिक वेट, एटोमिक वेट्स ऑफ द एलिमेंट्स द पीरियोडिक लॉ वाज गिवन बाय। अब ये लॉ किसने दिया था, अब इसने ये पूछा है कि ये सिद्धांत किसने दिया था कि कोई भी अगर मेरा एलिमेंट है, कोई भी अगर मेरा एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, उसकी जो प्रॉपर्टी या फॉर्मूला भी अगर हम बोले, उसकी जो विशेषताएँ होंगी वो एक पीरियोडिक मैनर होंगे। पीरियोडिक का मतलब होता है, पीरियोडिक मैनर का मतलब होता है कि कुछ टाइम के बाद वो रिपीट होंगी। जैसे कि अब साइकिल का ये टायर है, साइकिल का वो पेडल बोलते हैं जिसको, ये पेडल है, हमें पता है कि ये अगर यहाँ है ना, एक चक्कर के बाद वो दोबारा यहाँ आएगा, फिर एक चक्कर के बाद वो दोबारा यहाँ आएगा, वो क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद दोबारा वहीं आया जा रहा, दोबारा वहीं आया जा रहा है। उसी तरह पीरियोडिक टेबल के अंदर तुम्हें पता होगा, यहाँ से मैं मूव कर रहा हूँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां एलिमेंट आ गया, उसके बाद जो नाइन्थ एलिमेंट यहाँ आया ना, अब इन सब की जो एक लाइन के अंदर है सेम प्रॉपर्टीज होती है, इन सब की सेम प्रॉपर्टी होती है, एक जैसे होते हैं सारे, इसीलिए इनको एक लाइन में लिखा गया। इसी चीज़ को एक टाइम के बाद
ये वाली प्रॉपर्टी एक टाइम के बाद फिर रिपीट होगी, फिर रिपीट होगी, फिर रिपीट होगी। अब यहाँ जो आएगा वो इन दोनों का सेम है, अगला जो आएगा वो इन दोनों की सेम प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब है पीरियोडिक मैनर, इसको बोलते हैं पीरियोडिक मैनर, कुछ पीरियड के बाद वो प्रॉपर्टी दोबारा रिपीट होगी। तो अब ये चीज़ किसने बोला था कि ये चीज़ जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टी का बार बार रिपीट होना उसके एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी एलिमेंट है उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है। ये किसने बोला था? ये बोला था हमारे मेंडलीव ने। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तुम्हें मैंने करवाई थी क्लास के अंदर, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हमारी जो पढ़े ऑनलाइन क्लासेस है उसका, तुम्हारा जो बीएससी एग्रीकल्चर का सिक्स ईयर का बैच है, वीएलडीए का बैच है, दोनों के अंदर मैंने तुम्हें ये अच्छे से बताया था कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो किसके आधार पे बनाई थी? एटॉमिक मास को ध्यान में रखते हुए बनाई थी, क्योंकि उसको ये लगता था कि एटॉमिक मास एक ऐसी चीज़ है जिस पे जो ये पीरियोडिक मैनर है डिपेंड करता है। अगर मैं एटम्स को इस तरह लगा दूँ, इस तरह लगा दूँ, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में लगा दूँ, तो एक टाइम के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी उसका आधार था एटॉमिक मास, और ये लाइन भी उसी ने बोली थी कि मतलब यही चीज़ कि जो कोई भी एलिमेंट्स हैं, अगर एलिमेंट्स को मैं अरेंज करूँ उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, तो वो एक पीरियोडिक मैनर में अरेंज हो जाएंगे। तो इसका हमारा आंसर हो गया मेंडलीव। और अगर मैं ये बोल दूं कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बेस पे हमारी कौन सी है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस है? एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस होती है, जो हम आज भी यूज किए जा रहे हैं। वो किसने बनाई थी? इसने मेंडलीव ने ही बनाई थी, क्योंकि किसी ने पीरियोडिक टेबल बना दी थी, फिर बाद में सिर्फ एक चीज़ चेंज कर दी, मास को हटा के नंबर कर दिया, तो बिल्कुल सारी पीरियोडिक टेबल बिल्कुल सही होगी थी। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट व्हाट इज द मास ऑफ सोडियम इन 11.7 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl। NaCl जो है, अगर मेरे पास वो 11.7 ग्राम दे रखा है तो उसके अंदर सोडियम कितना है, उसके अंदर सोडियम कितना है मुझसे उसने ये पूछा है। ये हमारा है मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है? ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, और इसको हम करेंगे बिल्कुल भयंकर, बिल्कुल प्यार से। कैसे? सबसे पहला तरीका, इसके निकालो नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाले, गिवन मास कितना है 11.7 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। अब जो NaCl है उसका मोलर मास कितना होता है? उसका मोलिकुलर मास NaCl सोडियम का कितना होता है? 23, क्लोरीन का 35.5। इसको ऐड करो कितना हो गया? 5, 8, 5। यहाँ लिख दिया 5, 8.5। इसको डिवाइड करो, काटो, कितना आएगा यार? ये आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय क्या है हमारा 58.5। ये है 0.39, या फिर मैं 0.4 बोल दूं इसको, 0.39। कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए? 0.39 नंबर ऑफ मोल्स हो गए, इतने नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ओके, अब एक तो हो गया मेरा तरीका ये, मैंने मोल्स निकाल लिए, ठीक है, इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, इसको मैं एक चीज़ और भी लिख सकता हूँ। मोल्स निकाल लिए, कोई बात नहीं, अब नंबर ऑफ मोल्स को मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा सीधा वेट आ जाएगा। अब एक तरीका और भी है यार, देखो, सीधा यूनिटरी मेथड जिसको मैं बोलता हूँ, यूनिटरी मेथड जिसको हम बोलते हैं, वो क्या कहता है, सीधा सा हिसाब लगाओ। कैसे? सोडियम क्लोराइड, रुक जाए यार, सोडियम क्लोराइड, इसका मोलर वेट कितना होता है? 58.5 होता है। मैंने मान लिया कि मैंने एक मोल ले रखा है, मैंने मान लिया कि मैंने एक मोल ले रखा है, तो मैं ये बोल दूं कि एक मोल के अंदर कितने ग्राम क्लोरीन, किसने सोडियम पूछा है ना, कितने ग्राम सोडियम होता है? 23। एक मोल के अंदर कितने ग्राम सोडियम होता है? 23। उसको भी यूज कर सकता हूं, कैसे?
तो 0.39 के अंदर कितना होगा? 23 गुणा 0.39, बस बात खत्म। 23 गुणा 0.39 सीधा निकलाया। लेकिन 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 अभी हमने निकाला है जब मेरा क्या है, जब मेरा इसके अंदर वन मोल के अंदर सोडियम भी, सोडियम तो मैंने निकाल दिया लेकिन मेरा वो तो फिक्स नहीं है ना, क्लोरीन तो फिक्स नहीं है। क्लोरीन ये तब होगा जब मेरा क्लोरीन कितना हो, 35.5 हो। लेकिन क्लोरीन मेरा इतना नहीं है, क्लोरीन मेरा इतना नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे लिखना पड़ेगा। कैसे इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो कि जब मेरा क्लोरीन 35.5 ग्राम है, क्लोरीन 35.5 ग्राम है तो मेरा सोडियम कितना है, 23। अगर क्लोरीन 1 ग्राम ले लूं तो सोडियम कितना है, 23/35.5। और अगर मेरा सोडियम 11.7 है तो मेरा कितना आएगा, 23/35.5 इंटू 11.7। इसको मैंने कंफ्यूज ज्यादा कर दिया, दो तीन तरीके हो गए, चलो कोई बात नहीं, ये भूल ही जाओ, तुम ये मत करो क्योंकि ये कर देगा तुमको बिचड़ा देगा, बिचड़ा देगा, कंफ्यूज करेगा, कोई बात नहीं। हम सिर्फ ये करेंगे, सीधा सरल सुझाव, सीधा सरल तरीका क्या बोलता है कि कितना दे रखा है NaCl, NaCl के अंदर NaCl मेरा कितना दे रखा है, NaCl मेरा कितना दे रखा है, 11.7 ग्राम टोटल NaCl। अरे 58, वो ठीक था, ठीक था, ठीक था, ठीक था, ठीक था, 58.5 आ गया। भाई क्या होने लग रहा है आज, देखो ओके, ठंडे दिमाग से देखो इसको हम कैसे बताएं भाई, इसको देखो ऐसे, देखो टोटल मेरा NaCl है ना, अगर मैं 1 मोल NaCl मान लूं, मैंने NaCl ले लिया 1 मोल, ठीक है, 1 मोल NaCl के अंदर टोटल NaCl कितना होगा, 58.5 ग्राम। क्यों? क्योंकि ये 1 मोल तभी बनेगा ना जब 58.5/58.5 ऐसे हो, ये तो इसका मोलर मास हो गया, ये इसका मोलर मास हो गया और ये इसका गिवन वेट होगा। अगर मेरे पास इतने ग्राम है तो उसका मतलब होता है 1 मोल, ठीक है, मतलब 1 मोल NaCl के पास, 1 मोल NaCl के पास सोडियम कितना होता है, 23 ग्राम। 1 ग्राम NaCl के पास सोडियम कितना होगा, 23/58.5, और 11.7 ग्राम के पास कितना होगा, 23/58.5 गुणा में 11.7 गुणा में 11.7। ठीक है, ऐसे कर लो, मोल निकालने की जरूरत नहीं है, मोल को छोड़ दो तुम, ठीक है ओके। तो इसका आंसर आएगा हमारा 4.6, 4.6। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट बोलता है ऑन हीटिंग द क्रिस्टल्स ऑफ फ्लोरी फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट जो है उसको मैं जब हीट करूंगा तो क्या क्या बनेगा, फेरस सल्फेट को हीट करने के बाद क्या क्या हमें मिलेगा। कोई बताने का इच्छुक हो तो जल्दी से इसको बताओ, फेरस सल्फेट को हीट करने पर मुझे क्या मिलेगा।
फेरस सल्फेट Fe। अच्छा सल्फेट क्या होता है? SO4। फेरस सल्फेट को अगर मैं हीट करूँगा ना, तो सबसे पहले तो उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है, अगर मैं इसको हीट करूँ, इसके अंदर जो वाटर कंटेंट है, सबसे पहले तो मेरा वो गायब होगा। वाटर कंटेंट जो भी इसके पास प्रेजेंट है, पहले हमारा वो उड़ जाएगा। उसके बाद इसको हीट करने पर, इसको मैंने किया है ओवर हीटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा हीट कर दिया। तो ये क्या होगा? हीट का मतलब क्या होता है कि मैं इसके अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है। अगर ऑक्सीजन मेरी एबसेंट है तो वो बर्न नहीं होगी, ऑक्सीजन अगर एबसेंट है तो वो बर्न नहीं होगी। और इसका सीधा सीधा मतलब है कि मैं इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ। तो जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा Fe2O3, आयरन ऑक्साइड। ये अपना क्या बनाएगा? आयरन ऑक्साइड बनाएगा, और साथ में मेरी निकल जाएगी गैसेस, कौन सी? SO2 और SO3, दोनों की दोनों जो गैसेस हैं वो मेरी निकल जाएंगी, जो कि कहाँ है? SO2, 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 Fe2O3, SO2, SO3, ये क्या करेंगी? ऐसे निकल जाएंगी। तो हमने क्या किया है, हमने जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट किया, पहले उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गए, वो क्या बन गया? अब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने के, अगर मैं किसी भी, अगर कहीं भी ये चीज़ लिखी हुई है ना एनहाइड्रस, कहीं भी अगर ये लिखा हुआ है एनहाइड्रस, इसका मतलब होता है विदाउट वाटर। इसका मतलब होता है विदाउट वाटर, मतलब पानी की एब्सेंस में पानी हट गया। अब मैंने पहले इसको हीट किया तो इसके अंदर से पानी निकल गया, तो ये क्या बन गया? एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बन गया। अब ये, अब इसको जब मैं हीट करूंगा तो ये क्या देगा हमें? क्या देगा? आयरन ऑक्साइड दे देगा, फेरिक ऑक्साइड, और SO2 SO3 गैसेज निकल जाएंगे, सोडियम डाइऑक्साइड, सोडियम ट्राइऑक्साइड, सल्फर, सल्फर, सल्फर ट्राई डाई और ट्राईऑक्साइड्स क्या होंगी वो निकल जाएंगे। ओके, ये भी किसका है भाई? मेटल नॉन मेटल का। तो मेरे मेटल नॉन मेटल के कितने हो गए? 6 क्वेश्चन हो गए मेटल नॉन मेटल से। अगला आ रहा है, अगला आ रहा है 32। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, विच ऑफ द गैस इज इवॉल्व इन द रिएक्शन बिटवीन जिंक मेटल एंड NaOH? जिंक मेटल एंड NaOH। अब एक चीज मैंने तुम्हें बताई थी इसके बारे में कि जो NaOH क्या है मेरा, एक NaOH एक बेस है, NaOH क्या है? एक बेस है, और मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं जनरली। क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मेटल्स का जो ऑक्साइड होता है ना, मेटल के ऑक्साइड्स ऑक्सीजन के साथ, या फिर मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, या खुद मेटल भी जो हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। वो क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल भी, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, सारे के सारे ये क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए बेस और बेस वो आपस में रिएक्ट नहीं करते सेम सेम। वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, मेटल जो है वो एसिड्स के साथ बड़े मज़े से रिएक्ट करते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स हैं, कुछ एक मेटल्स, जैसे ये रिएक्शन हमें बता रखे, जिंक, ये क्या करता है? मेटल के साथ रिएक्ट कर लेता है, ये बेस के साथ क्या करता है? ये रिएक्ट कर लेता है, और हमें क्या बनता है, क्या मिलता है? हमें जिंकेट आयन बनता है। ये मैंने तुम्हें डायरेक्ट करवाया हुआ है क्लास के अंदर, जिंकेट आयन ZnO22-, ये मेरा क्लास के अंदर करवाया हुआ है जिंकेट, और डायरेक्ट 2020 के क्वेश्चन में, 2020 के क्वेश्चन में ये डायरेक्ट आया हुआ है। और उसके अंदर मैंने एक चीज और बताई थी, ये सेम टू सेम क्या है? ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है और कुछ नहीं है ये। क्यों? क्योंकि वही है,
न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। और अभी मैं स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि एक तरीका और होता है, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस H2। सॉल्ट प्लस H2। अब मैं मेटल को एसिड के साथ मिलाता हूँ तो क्या देते हैं? सॉल्ट प्लस H2 देते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब कुछ मेटल जो होते हैं वो बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट मेरा सेम रहेगा, प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। तो सॉल्ट बनेगा मेरा जिंकेट, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट Na2 ZnO2 जिंकेट बनेगा, और साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहाँ पर कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकल रही है, H2। H2 गैस क्या कर रही है? यहाँ पर निकल रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन ए ड्रॉप ऑफ अननोन सॉल्यूशन इज प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रिप ऑफ पीएच पेपर। मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन दे रहा है, ये एसिड बेस का है भाई, ये है एसिड बेस का सॉल्यूशन, एसिड बेस का क्वेश्चन है। अब ये क्या बोलता है? पीएच पेपर मेरा क्या था? पीएच पेपर क्या होता है? जिससे हम क्या करते हैं, हमारा लिटमस पेपर जिसको बोलते हैं, इससे हम क्या करते हैं, पीएच मेजर करते हैं। ठीक है, पीएच मेजर, पीएच मतलब किसी भी सॉल्यूशन का हम पता लगाते हैं वो क्या है, एसिडिक है या बेसिक है, और कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने एक सॉल्यूशन लिया कोई भी, उसकी मैंने एक ड्रॉप इस पीएच पेपर के ऊपर डाल दी। व्हेन ए डीप रेड कलर इज प्रोड्यूस्ड, अब डीप रेड, रेड से मैंने क्या बताया था, रेड मतलब खतरे का निशान, रेड मतलब खतरे का निशान। और खतरा हमें ज्यादा किससे होता है, एसिड से या बेस से? ज्यादा खतरनाक कौन है? एसिड है, तो मतलब रेड का मतलब होता है एसिड। अब डीप रेड का मतलब होता है बिल्कुल लाल, बिल्कुल लाल, और वो क्या हो गए हमारे? एसिड। तो इससे हमें ये पता चल गया कि क्या होगा हमारे पास, वो एक एसिड होगा। अब डीप रेड है तो मतलब वो एक स्ट्रोंग एसिड होगा, वो एक स्ट्रोंग एसिड है। और इन ऑप्शंस में देखो, स्ट्रोंग एसिड कौन है? NaOH क्या होता है? स्ट्रोंग बेस होता है। वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। एसिटिक एसिड क्या है? एक वीक एसिड है। क्या बच गया, क्या बच गया? HCl, ये क्या होता है मेरा? एक स्ट्रोंग एसिड होता है। तो हमारा आंसर इज सी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन भाई, द एसिड प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ आंट, जो चींटी होती है उसका जो क्या बोलते हैं उसको, डंक, उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ये भी मैंने तुम्हें बताया हुआ है, ये भी तुम, बल्कि मैंने तुम्हें वो टेबल दी थी ना क्लास के अंदर, उसके अंदर सारे थे, सिर्फ चार पांच ही मैंने लिखवाए थे, ज्यादा लिखवाए भी नहीं थे। एक तो अपना हनी भी था, एक था वैस्प बीरड जिसको बोलते हैं, एक थी आंट चीटी, और एक उसके अंदर था नेडल, नेडल प्लांट जिसके मतलब कांटेदार जो पेड़ होते हैं उनके अंदर कौन सा होता है। तो हमने क्या देखा था कि जो, अब ये देखो, सिट्रिक एसिड कौन सा किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सारे बताते हैं। सिट्रिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है? हमारा लेमन्स के अंदर या ऑरेंज के अंदर, काटा। टार्ट्रिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ग्रेप्स के अंदर, काटा। मिथेनोइक एसिड होता है जो इन दोनों के अंदर होता है, दोनों के अंदर, निडल के अंदर भी और आंट के अंदर, जो कांटेदार पेड़ होते हैं ना उनके अंदर भी मिथेनोइक एसिड होता है। और इसको काटने के लिए, इसको काटने के लिए इसका जो ट्रीटमेंट था वो क्या बताया था? अब ये एसिड है, एसिड को कौन काटेगा? बेस। और हम क्या यूज करते थे? बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर क्या करते हैं हम इसके, एज ए बेस यूज करते थे। और इथेनोइक एसिड जो है वो सबको पता है, इसका एक नाम और होता है एसिटिक एसिड, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इसने एसिटिक नहीं लिखा क्योंकि एसिटिक तो सबको पता है, इसका दूसरा नाम इथेनोइक एसिड भी होता है। एक्चुअली इसका असली नाम इथेनोइक एसिड होता है, एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है वैसे। और एसिटिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है? विनेगर के अंदर, सिरका के अंदर एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो हमारा आंसर हो गया
मिथेनोइक एसिड, अगर चींटी के अंदर पूछ ले या नीडल्स के अंदर, वो जो कांटेदार पेड़ होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है हमारा मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है उसको। एक चीज़, उसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं भाई, उसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, और फॉर्मूला भी उसका देख लो, HCOOH, उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है। कोर ऑफ पेंसिल इज मेड अप ऑफ, ये फिर मेटल नॉन मेटल का क्वेश्चन आ गया, छह हो गए। जो पेंसिल का सिक्का होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वो एक कार्बन का एलोट्रोप होता है, वो एक कार्बन का एलोट्रोप होता है, तुमने मैंने बता रखा है ये सारी चीजें तुम्हें बता रखी है यार। कार्बन का एलोट्रोप होता है जिसका नाम होता है ग्रेफाइट। अब ये ग्रेफाइट क्या होता है, ये एक गुड कंडक्टर भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, और यही एक ऐसा नॉन मेटल था जो कंडक्टर होता है, ये भी मैंने तुम्हें क्लासेस के अंदर क्लियर करवाया था कि यही एक ऐसा नॉन मेटल है जो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और यही ग्रेफाइट कहाँ यूज़ किया जाता है, पेंसिल के सिक्के के अंदर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता, और इकलौता नॉन मेटल जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है वो भी कार्बन का एलोट्रोप है डायमंड, वो भी कार्बन का इकलौता एलोट्रोप होता है, इकलौता नहीं, वो भी कार्बन का एलोट्रोप होता है डायमंड, कार्बन के 8 एलोट्रोप्स होते हैं, और बाकी जो बच गए हमारे लेड वुड ये सारी चीज़ें ये यूज़ नहीं की जाती उसके अंदर। पेंसिल का जो कोर होता है, सिक्का जो होता है, उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, हमारा ग्रेफाइट यूज़ करते हैं। अदर देन आयरन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल अट्रैक्ट, ये भी भाई ज़बरदस्त चीज़ है। अब आयरन के अलावा ये भी हमारा किसका क्वेश्चन है, मेटल नॉन मेटल का, सात क्वेश्चन हो गए सिर्फ 2020 के अंदर, सात क्वेश्चन मेटल नॉन मेटल्स में। अब आयरन के अलावा कौन सा ऐसा मेटल है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है, मैग्नेटिक मतलब मेटल्स जो मेरा मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट उससे अट्रैक्ट किया जा सकता है, उससे वो अट्रैक्ट होगा, जाके चिपक जाएगा, वो कौन सा होता है। अब देखो अगर किसी को नहीं भी पता है ना, नहीं भी पता है किसी को, अगर तुक्का ही मारना हो ना, तुक्का नहीं, अगर इसमें दिमाग लगाना चाहे ना तो उसमें लगा सकता है। वैसे हमारे पास तीन होते हैं, आयरन, कोबाल्ट और निकिल, ये तीन होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। अगर मान लो कोई भूल गया तो इतना दिमाग लगाओ, चांदी सबको पता है नहीं होती, सोना सबको पता है चुंबक से अट्रैक्ट नहीं होता, मर्क्यूरी का सबको पता है, मर्क्यूरी तो होती ही लिक्विड है, मर्क्यूरी तो होती ही लिक्विड फॉर्म में है, बच गया कौन, कोबाल्ट, बच गया कौन, कोबाल्ट, और ये याद रख लो आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये तीन ऐसे मेटल्स हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, इनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मेटल्स, इनको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मेटल्स। मेटल नॉन मेटल में तो तुम्हें ऐसा चीता बना देंगे, बस कोई आ जाओ जाए आगे। ओके, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, ये भी मेटल नॉन मेटल का भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन मेकिंग सोलर सेल्स। अब इसमें तुम भटक जाओगे, बहुत भयंकर तरीके से भटक जाओगे, क्योंकि नाम देख लो यहाँ लिख क्या रखा है, सोलर सेल लिख रखा है यहाँ, सोलर सेल लिख रखा है यहाँ पर, तो कुछ बच्चे बिना सोचे समझे और सोलर सेल उनके अंदर तो चांदी यूज की जाती है, चांदी पे टिक्का मारे, लेकिन ये गलत है भाई। सोलर सेल जो है ना, वो जो सोलर सेल है जो ये काम कर रहा है बिजली बनाने का, उसके अंदर सिलिकॉन यूज किया जाता है, उसके अंदर सिलिकॉन यूज किया जाता है। तुमने बहुत पढ़ा होगा कि हाँ सोलर सेल है, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे वो है भाई, चांदी यूज करते हैं इसलिए महंगा, ये वो है, यूज तो करते हैं लेकिन सिल्वर का यूज होता है उसकी वायरिंग में, उसके अंदर जो वायर होती है ना इस सेल के बाहर, उनको सेल्स को जोड़ने के लिए और फिर वहां से तुम्हारे इन्वर्टर तक घर तक ले जाने के लिए, वो जो वायरिंग होती है सिल्वर का यूज वहां किया जाता है, सेल के अंदर नहीं किया जाता। वो जो सेल है ना उसके अंदर तुम देखना, ये पूरी बड़ी पैनल है, उसके अंदर छोटे छोटे ये ब्लू ब्लू से तुम्हें दिखेंगे बने हुए, वो होते हैं सोलर सेल्स, एक एक सेल वो सेल है, उनके अंदर सिलिकॉन का यूज किया जाता है,
उसके अंदर किसका यूज किया जाता है? सिलिकॉन का यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर बी नहीं डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई हमारा, जस्ट द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6। वैसे ये तुम्हारे बायो का क्वेश्चन है लेकिन मैंने इसमें डाल दिया यार, कोई बात नहीं। विटामिन्स का तुम्हें पता होना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं, बस उनके नेम और कॉमन नेम क्या क्या होता है। अब विटामिन B6 जो होता है वो क्या होता है मेरा, वो क्या होता है? पायरीडोक्सीन जो होता है वो विटामिन B6 होता है। वो क्या होता है? विटामिन B6। नियासीन होता है विटामिन बी थ्री। साइनोकोबाल्टामीन ये होता है कोबाल्ट अमीन होता है ये। लेकिन इसको काट के जब ये दोनों वर्ड ऐड होते हैं इसको कोबालमीन बोल देते हैं। कोबाल्ट और अमीन होता है वैसे ये होता है विटामिन B12। और बायोटीन तो पता ही है वो, ये क्या होता है? विटामिन B7 6 के अंदर ये होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। इसके साथ तुम्हारे VLDA 2020 के क्वेश्चन जो है ख़त्म होते हैं। अगर तुम्हें इसका सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और तुम्हें अगर हमारे कोर्सेज को बाय करना चाहते हो उसके लिए जाएं पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस YouTube चैनल पे, प्ले स्टोर पे, कहीं से भी तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो और हमारे कोर्स को बाय कर सकते हो। थैंक यू।